आज गारंटी कार्ड बांटने लोगों के घर जा रहे। आपके पास दम है, आपके हुकूमत में दम है, कॉरपोरेशन मेयर बनाओ पहले, बाद में लोगों के घर जाके गारंटी कार्ड दो। गुलबर्गे के अंदर 4 से 5 दिन से हलचल चल रहा है मेरे इलेक्शन को लेके। आज कांग्रेस के MLA MLC जो भी लीडर्स है एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए मेरे इलेक्शन को लेके। कई कंप्लेंट कई इश्यूज़ में हम लोग कमिश्नर साहब को मिले, LNT ऑफिसरों को भी बात कर रहे, पूरा नेगलेक्ट कर रहे, कोई इसके बारे में सीरियस नहीं है। चाहे BJP होंगे कांग्रेस होंगे, अगर जिसके पास बहुमत है उन्हों मेयर बनाओ, आवाम के लिए खिदमत के लिए मेयर बनाना गुलबर्गे के लिए बहुत ज़रूरी है। BJP वाले पर्पजली गुलबर्गा मेयर इलेक्शन को रोकाया जा रहा है, इसके पीछे जो सपोर्टिंग जो है कांग्रेस पार्टी है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। 2 तारीख को सरकार से आदेश RC साहब को मिला था गुलबर्गा मेयर इलेक्शन को लेके। RC साहब ने कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को जो वोट कॉरपोरेशन के जो वोटर्स है, जो कॉरपोरेटर सभी MLA MLC और विनर कॉरपोरेटर के वोटिंग लिस्ट 6 तारीख को यहाँ पे एक लेटर भेजा गया है RC साहब कमिश्नर साहब को इमीडिएट रिपोर्ट करने के लिए। आज 9 तारीख है, अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब यहाँ के BJP MLA के दबाव में काम कर रहे हैं बोल के हमको मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ गुलबर्गे के आवाम पानी को लेके बहुत परेशान है। अभी दुपकाला स्टार्ट हो गया है, अभी हमारे सामने रमज़ान आ रहा है। कई कंप्लेंट कई इश्यूज़ में हम लोग कमिश्नर साहब को मिले, LNT ऑफिसरों को भी बात कर रहे, पूरा नेगलेक्ट कर रहे, कोई इसके बारे में सीरियस नहीं है। कहीं ना कहीं आज गुलबर्गे के आवाम के साथ कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब और यहाँ के MLA मिलके खेल रहे हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे को इमीडिएट जो कॉरपोरेटर मेयर बनाने के लिए जो जो वोटिंग पावर जिसको दिया गया है, इमीडिएट वो लेटर हमारे कॉरपोरेटर को सबको हमको इशू करना है। आने वाले दिनों में चाहे BJP होंगे कांग्रेस होंगे, अगर जिसके पास बहुमत है उन्हों मेयर बनाओ, आवाम के लिए खिदमत के लिए मेयर बनाना गुलबर्गे के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आवाम बहुत परेशान है, 18, 20, 22 महीने हो गया है, आज तक मेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। पिछला नोटिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे 63 वोटिंग थे टोटल कॉरपोरेटर MLC MLA राज्यसभा मिला के, अब 69 हो चुके हैं और 6-7 ऐड करे BJP वाले, और BJP को कहीं ना कहीं हुकूमत बनाने के लिए ताकत यहाँ पे बहुमत कम दिख रहा है बोल के आज BJP वाले पर्पजली गुलबर्गा मेयर इलेक्शन को रोकाया जा रहा है, इसके पीछे जो सपोर्टिंग जो है कांग्रेस पार्टी है बोल के हम बोलना चाहते। आज कांग्रेस 27 सीट जीते, एक MLC और एक MLA एक राज्यसभा मिलके, आज कांग्रेस 30 वोट टोटल 30 वोट है आज गुलबर्गा मेयर इलेक्शन के लिए। आज कांग्रेस नेशनल पार्टी कहीं ना कहीं आज BJP हुकूमत बनाना बोल के सपोर्ट कर रहा है बोल के हमको यहाँ पे दिख रहा है। गुलबर्गे के अंदर 4 से 5 दिन से हलचल चल रहा है मेयर इलेक्शन को लेके। आज कांग्रेस के MLA MLC जो भी लीडर्स है एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए मेयर इलेक्शन को लेके। आज गारंटी कार्ड बांटने लोगों के घर जा रहे, आपके पास दम है, आपके हुकूमत में दम है, कॉरपोरेशन मेयर बनाओ पहले, बाद में लोगों के घर जाके गारंटी कार्ड दो। आज आवाम परेशान है, कौन सा मुंह लेके आप गारंटी कार्ड देने जा रहे? आवाम को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, शर्म आना चाहिए आपको। आज BJP का हुकूमत, यहाँ का साउथ का MLA नॉर्थ MLA, ये लोगों को अगर तुमको एक दिन पानी नहीं दिया गया है तो क्या होते आप? अगर पानी आपको नहीं मिला तो हालत क्या होता तुम्हारा? आज 8-8 दिन से आवाम परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है, शर्म आना चाहिए आपके हुकूमत को। अगर तुम्हारे को आवाम को खिदमत करने का नहीं हो रहा है तो आपके इस्तीफा दे दो MLA को। क्यों आने वाले दिनों में 2023 में अब 2 महीने में इलेक्शन है, लोगों के बीच क्यों इलेक्शन ठहरने जा रहे? लोग आपको इस बार साथ नहीं देंगे 100%, इस बार आपको सबक सिखाएंगे लोग बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। और कई इश्यूज़ है कॉरपोरेशन में, आज मेयर बना तो कॉरपोरेशन में ऑफिसरों का यहाँ पे दबदबा नहीं चलता है, ख़त्म होता है। आज 20 से 22 महीने कॉरपोरेशन के पूरे ऑफिसर्स अपने खुद के पावर चला के क्या लूटी करने का काम करे,
मेयर बना तो इनका सब कुछ बंद होता मीटर बोल के। आज ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलके ये लोग मेयर को डिने करना बोल के सोच रहे, मगर इसके खिलाफ हम लोग आने वाले दिनों में पूरे हमारे पार्टी के तरफ से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे उतरेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।